जय हिंद दोस्त। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MHSE टेक्नीशियन में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक वीडियो लाए हैं, ये टोनन का केसिड एसी है। इसकी पीसीबी बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रही है। चलो इसको चेक करते हैं और चेक करके इसकी प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे और चेक करके इसका क्या फॉल्ट है पता लगाएंगे। पहले हम इसकी पैनासोनिक का है, दो टन का केसिड एसी है ये। चलो फिर इसे हम खोलते हैं एक बार, इसे ग्रिल निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। सप्लाई नहीं आ रही, पीसीबी ख़राब है, उसके बाद हम चेक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो पर ग्रिल हटा लेना चाहिए, ग्रिल हमारी देखो खोल ली हमने। ग्रिल खोलने के बाद ये हमें यहाँ कनेक्शन बॉक्स हमारा है ये दिख रहा है। ये कनेक्शन बॉक्स खोल के हम सप्लाई चेक करेंगे, हमारी सप्लाई पूरी आ रही नहीं आ रही। चलो फिर ये कनेक्शन बॉक्स पहले इसे खोलते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये ब्लोअर मोटर भी है, ये ब्लोअर मोटर भी लग रही है हमने। देखो कनेक्शन बॉक्स हमने खोलना शुरू कर दिया है और ये हमारा कनेक्शन बॉक्स के पेज खोल लो पहले, उसके बाद ये प्लेट हट जाएंगी। तो ये हमारा कनेक्शन बॉक्स ऑलरेडी खुल गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई जो आती है मेन 220-230 वोल्टेज जितनी होती है वो आ रही नहीं आ रही यहाँ पर। अगर हमारी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है तो हम आगे पीसीबी वाला जो बोले हाँ ये हमारी 230 वोल्टेज यहाँ आ रही है, यानी हमारे यहाँ तक कनेक्शन सप्लाई पूरी आ रही है। अब हम आगे पीसीबी कार्ड भी खोलते हैं। तो ये हमारा पीसीबी कार्ड इधर लगा हुआ है, पूरा दो पार्ट में बना रखा है। इधर पीसीबी कार्ड है, मेन सप्लाई उधर आ रहा है। R32 गैस है इसमें, पैनासोनिक का केसिड एसी है ये। और इसे हम बॉक्स खोल लेते हैं, ये हमारी खुल गया। और खुलने के बाद हम चेक करते हैं इसमें पीसीबी हमारी ख़राब है, क्या हुआ है, सप्लाई यहाँ तक आ रही नहीं आ रही। और बाकी में सप्लाई जो है मेन सप्लाई में आ रही है। तो ये दो पीसीबी कार्ड लगा ही है, पीसीबी कार्ड है इधर, हमारी सप्लाई आ रही मेन। और ये सेंसर के तार गए हैं और ये ब्लोअर मोटर हमारी जो ब्लोअर फैन दिख रहा है। तो ये दो टन का केसिड एसी है, देखिए इसका केसिड एसी। और ये हमारा पेस्ट है। तो हम इसके एक बार चेक कर लेते हैं वायरिंग कैसे है इसकी, उसके बाद इसको हम छेड़ते हैं, वायरिंग निकाल के चेक करते हैं खोल के। इनमें ट्रांसफार्म देखो अलग से दे रखा है, ट्रांसफार्म भी चेक करेंगे। और हमारा ये कैपेसिटर का है, तो फैन का है, तो ब्लोअर का। और हमारा ये मेन सप्लाई आ रही है यहाँ पर, उसके बाद हमारा डिस्प्ले हो गया। और इसमें हम फ्यूज चेक कर लेते हैं, फ्यूज हमारा सही है नहीं। ये हमारा फ्यूज ओके है, फ्यूज सप्लाई सही दे रहा है, फ्यूज हमारा ठीक है, फ्यूज हमने चेक कर लिया, फ्यूज काम कर रहा है प्रॉपर। हो सकता है ट्रांसफार्मर खराब हो, ट्रांसफार्मर हम देखते हैं ये कि वोल्टेज हमारा डीसी वोल्टेज निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर, हम इसे भी चेक करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।